Assalamualaikum students, क्या हाल है सबका। मैं हूँ मोहम्मद अबू बकर और हम और आप मिलकर कर रहे हैं 9th क्लास फेडरल बोर्ड की मैथ, जिसमें हम 3.2 स्टार्ट की हुई थी और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़े तो लिखा हुआ फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम आर दीज, कि मेरे पास दो उसने मतलब पार्ट दिए हुए हैं, वो ये कह रहा है कि ये बेसिकली क्या पढ़ा हुआ है, ये आपके पास लॉगरिथम पढ़ा हुआ है और इस ये किस नंबर का लॉगरिथम है, आपने वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो इसको करने का क्या तरीका है, तो इसको करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले क्या चेक करना है, बेसिकली आपने सबसे पहले क्या लेट करना है, कि आपने लेट कर लेना है कि मेरे पास जो गिवन नंबर है वो मेरे पास क्या है। मतलब अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 मेरा देखा है, तो जब हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक मैं नंबर लिख देता हूँ, मेरे पास एक नंबर था लॉग 31.09 is equal to 1.4926, कि ये एक मेरे पास क्या है नंबर है और उसका लॉगरिथम क्या है ये है। तो बेसिकली अगर आप लेट करने जा रहे हो तो आप लेट करोगे कि log of x is equal to that number, और वो नंबर जो पार्ट 1 में पड़ा हुआ है वो आपके पास क्या पड़ा हुआ है 3.56 and 2 and 1। तो आपके पास क्या पड़ा हुआ वो नंबर, log of x लेने जा रहे हो तो बस मतलब आप लेट कर लोगे कि log of x वो नंबर जिसका ये लॉगरिथम है उसको आपने x लेट कर लिया और वो आपके पास है 3.5621। अब अगर हम दूसरी चीज की तरफ आए, तो हमने लास्ट लेक्चर में ये बता दिया था कि जब भी हम किसी चीज का लॉगरिथम लिखते हैं तो लॉगरिथम में बेसिकली हम क्या लिखते हैं कि पॉइंट से पहले उसकी सी एच वैल्यू, करेक्टरिस्टिक वैल्यू, और पॉइंट के बाद उसके कौन सी वैल्यू पड़ी होती है, मंटीसा वैल्यू पड़ी होती है। तो इस केस के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास पॉइंट से पहले क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, और आप इसे लिख देंगे कि 3 और मतलब पॉइंट से पहले क्या पड़ा हुआ है 3, और हमने बात की कि जब हम किसी चीज का लॉगरिथम लिखते हैं तो लॉगरिथम में पॉइंट से पहले वाली वैल्यू करैक्टरिस्टिक वैल्यू होती है और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू मंटीसा होती है। तो इस केस के अंदर जो करैक्टरिस्टिक वैल्यू है वो आपके पास क्या है 3, और ये क्योंकि एक पॉजिटिव 3 है, इट मींस जो भी आपके पास नंबर था उसकी जो उसको जब आपने साइंटिफिक मतलब हमने अब उसी काम को जो हमने 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, उन्हीं स्टेप को क्या करना है, रिवर्स करना है। उसमें पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, 4 डिजिट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक मल्टीसा बताते हैं और नीचे फिर हम नंबर लिख देते हैं उसकी लॉग वैल्यू। अब हम उसी का रिवर्स करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास लॉग वैल्यू आ गई, मतलब जो स्टेप सबसे नीचे आता है वो सबसे ऊपर आ गया, उससे ऊपर वाला स्टेप क्या होता है, हम कैरेक्टरिस्टिक एंड मल्टीसा बताते हैं। मतलब मैं साइड लिख देता हूँ, पहले हमारे पास नंबर होता है, नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास सी एच की वैल्यू आती है, मंटीसा की वैल्यू आती है, और उसके बाद हम क्या करते हैं सी एच डॉट मंटीसा की वैल्यू लिखते हैं और वो आपके पास क्या आता है लॉग ऑफ दैट नंबर आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में वही काम होगा लेकिन उसका रिवर्स होगा। रिवर्स किस सेंस में होगा कि सी एच डॉट मतलब करेक्टरिस्टिक डॉट मंटीसा वैल्यू पड़ी हुई है, ये वैल्यू पहले से हमारे पास पड़ी हुई है, उसके बाद आपने क्या किया मंटीसा करैक्टरिस्टिक वैल्यू, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे सी एच और एम एन वैल्यू को मतलब करैक्टरिस्टिक वैल्यू एंड मंटीसा वैल्यू अलग अलग करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे और एंड पे हम उसे किस फॉर्म में लिखेंगे, नंबर फॉर्म में लिखेंगे। करते क्या है लॉगरिथम निकालने के लिए, नंबर होता है साइंटिफिक नोटेशन बनाते हैं, सी एच वैल्यू निकालते हैं, एम एन वैल्यू निकालते हैं, और पॉइंट से पहले सी एच पॉइंट के बाद एम एन वैल्यू लिखते हैं और वो आपके पास गिवन नंबर का लॉगरिथम आता है। और नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे कि आप उसके लॉगरिथम में मतलब जो सी एच और ए एम वैल्यू पड़ी हुई उसे अलग अलग करोगे, उसकी हेल्प से हम नंबर निकालेंगे जिसके जो के साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे और साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद आप उसको नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेम हम यहाँ पे हमारे पास सी एच वैल्यू क्या आ गई 3 और मंटीसा वैल्यू यहाँ पे यानी कि एम एन वैल्यू क्या आ गई 5621। अब यहाँ पे ये बात आ जाती है कि चलो हमारे पास मंटीसा वैल्यू तो आ गई लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास नंबर होना चाहिए जिसे हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अगर आपके पास बुक्स पड़ी हुई हैं तो लॉग टेबल के बाद मतलब लास्ट पे दो टेबल है, एक लॉगरिथम टेबल है, उसके फौरन बाद हमारे पास आता है एंटी लॉगरिथम टेबल।
एंटी लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल को यूज करेंगे और उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आप देखें तो आपके पास जो एंटी लॉगरिथम टेबल है उसमें भी 3 कॉलम है, जस्ट लाइक जिस तरह हमारे पास किस में पड़े हुए थे, हमारे पास पड़े हुए थे लॉग टेबल के अंदर, और सेम दोनों में सेम प्रोसीजर है। लॉग टेबल के अंदर भी जो पहला कॉलम था वो 2 डिजिट कॉलम था, दूसरे में 10 से लेके 9 तक वैल्यू थी, थर्ड में 1 से लेके 9 तक वैल्यू थी। सेम इसके अंदर भी क्या है, यहाँ पे 3 कॉलम होते हैं, फर्स्ट जो होता है वो पॉइंट के बाद कोई 2 डिजिट वैल्यू होती है, 0.00, 0.01, 0.55 या कुछ भी लाइक 0.76, कुछ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट वैल्यू होती है, ये 0 नहीं होता, जस्ट पॉइंट होता है उसके बाद 2 डिजिट वैल्यू होती है। उसके बाद क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, और हर इस 0 के नीचे, 1 के नीचे, 2 के नीचे, हर एक के नीचे एज इट इज 4 डिजिट वैल्यू होती है, कोई ना कोई 4 डिजिट वैल्यू लाइक 36, 55, 36, 54, 36, 57, इस तरह करके हमारे पास हर इस 1 डिजिट नंबर के नीचे 4 डिजिट वैल्यू होती है। अगर आपके पास बुक पड़ी हुई तो आप अभी देख लें उसके लास्ट पे एंटी लॉगरिथम के टेबल के अंदर कि आपके पास यहाँ पे पॉइंट में वैल्यूज दी हुई होंगी, यहाँ पे ऊपर 0 से लेकर 9 तक वैल्यू होगी और हर वैल्यू के नीचे 4 डिजिट वैल्यू होगी। एज इट इज यहाँ पे हमारे पास 1 से लेके 9 तक थर्ड टेबल होता है जिसे हम मेन डिफरेंस टेबल कहते हैं, कॉलम कहते हैं, मेन डिफरेंस भी हम कह देते हैं और मेन डिफरेंस कॉलम मैं कह रहा हूँ, आप मतलब कॉलम जो हुआ हमारे पास इस वजह से। तो इस केस के अंदर 1 से लेकर 9 तक ऊपर हेडिंग होती है और हर हेडिंग के नीचे वैल्यूज होती है, वो 1 वैल्यू भी हो सकती है, 2 डिजिट वैल्यू भी हो सकती है। तो हमने क्या करना है, हमने इस टेबल को यूज करते हुए अपना अपने यानी कि गिवन मैट्रिसा के अकॉर्डिंग नंबर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास नंबर था, हमने लॉग वाला टेबल यूज किया और उसके और उस नंबर के हिसाब से मल्टीसा निकाला। इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे कि मल्टीसा का यूज करेंगे और वो गिवन नंबर हम निकालेंगे। ठीक हो गया, करना हमने क्या है, अब हमारे पास करैक्टरिस्टिक वैल्यू आगी, मल्टीसा वैल्यू आगी। अब हमने क्या करना है, हमने ये फर्स्ट 2 वैल्यूज को यूज करना है, जिस तरह हम क्वेश्चन नंबर 1 में करते थे, हम इस फर्स्ट 2 वैल्यू को यूज करते थे, देन इस वैल्यू को इसमें इसके अकॉर्डिंग हम कॉलम 1 में वैल्यू लेते थे, इसके अकॉर्डिंग हम कॉलम 2 में वैल्यू लिखते थे और इसके अकॉर्डिंग हम कॉलम 3 में वैल्यू लिखते थे। यहाँ पे हमारे पास कॉलम 1 में जो हमने वैल्यू लेनी वो क्या है, 56 है। तो आपने क्या करना है, एंटी लॉगरिथम टेबल निकालना है और एंटी लॉगरिथम टेबल में जो 2 डिजिट वैल्यू वाला टेबल है उसमें आपने क्या करना है, 0.56 पे चला जाना है, 0.56 पे चला जाना है। उसके बाद जो ये कॉलम इसमें 1 से लेके 9 तक वैल्यू है और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 2। तो इस 0 से लेके 9 तक जो ऊपर हेडिंग वैल्यूज है उसमें आपने हेडिंग 2 में जाना है और हेडिंग 2 और हेडिंग 56 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो नंबर पड़ा हुआ है वो आपने ले लेना है। मैंने पार्ट 1 में यही कहा था कि अगर आपने आपको समझ नहीं आ रही मैंने कौन सा नंबर लेना है तो आप फर्स्ट 2 नंबर और इस थर्ड नंबर, मतलब इस थर्ड नंबर से नीचे की तरफ लाइन लगाओ और इस जो यहाँ पे आप नंबर लेते हो इससे इस तरफ लाइन लगाओ, वो जहां पे क्रॉस होगा वो आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। और तो आपने क्या करना है, इसमें जब हम इस तरह करते हैं या फिर अगर आपको ज्यादा अच्छे वे से आता तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ये मैं एक सिंपल वे बता रहा हूँ कि इसके अकॉर्डिंग आप लेड पेंसिल यूज करते हुए ज्यादा आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम वैल्यू निकालते हैं तो मेरे पास 56 और इस 2 जो है, इस दोनों जो ये दोनों जिस नंबर पे क्रॉस कर रहे हैं वो मेरे पास क्या आ रहा है, वो मेरे पास आ रहा है 36, 4 and 8। उसके बाद आप इसी लाइन को आगे की तरफ ले जाओ 56 वाली और यहाँ पे 1 से लेके 9 तक टेबल होगा जिसके अंदर आपने किसके नीचे वाली वैल्यू लेनी है, 1 के नीचे वाली। तो आप 1 के नीचे वाली वैल्यू पे यूं कर दें और ये इस जगह पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ये लाइन क्रॉस कर रहे हैं। इस जगह पे जो भी वैल्यू होगी वो आपने इस आने वाली वैल्यू में ऐड कर देनी है। पर हमारे इस केस में इस जगह पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो मेरे पास जब मैं यानी कि जो नंबर आएगा वो 36, 48 और इस 2 को प्लस करने से आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो नंबर आया वो क्या आ गया, वो आया 36, 48 plus 2, it means 36, 5 and 0। अब नेक्स्ट काम जो आपने करना है, आपने ये करना है
कि आपके पास जो नंबर आएगा, अगर आप क्वेश्चन नंबर वन कर चुके हैं तो उसमें आप उस चीज को साइंटिफिक नोटेशन में डालते हैं। मतलब जब आप इस जगह पे होते हो तो वो साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में होती है। साइंटिफिक नोटेशन में जो नंबर पड़ा हुआ होता है उस नंबर को यूज करके आप मंटीसा निकालते हो। तो यहाँ पे जब आप, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मंटीसा निकालोगे तो जो नंबर आएगा वो बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में होगा। इट मीन्स कि ये मेरे पास जो 3650 है उसको आप लिखोगे 3.650। दोबारा देख ले मैंने क्या बात की। अगर आपने क्वेश्चन नंबर वन देखा है या किया हुआ है तो उसमें जब आप मंटीसा की वैल्यू निकालने के लिए जाते हो तो वो जो 4-डिजिट नंबर होता है वो आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में होता है। मतलब कि उसका जो पॉइंट होता है वो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद होता है। तो इस केस में अगर आप मंटीसा से नंबर निकालोगे तो वो जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, साइंटिफिक फॉर्म, मतलब कि उसका जो डेसिमल होगा वो फर्स्ट वैल्यू के बाद होगा। तो यहाँ पे मेरे पास जब आप लोगे तो वो मेरे पास नंबर आएगा 3.650। और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10 पावर ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक, और इसमें वो क्या है 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये चीज आ गई आपके पास। तो ओवरऑल आपके पास जो आंसर आया वो आपके पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 3650, मतलब 10 की पावर 3 को जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3650। यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि सर 3650 तो पहले से आ गया था, तो उसको पॉइंट में डालने की क्या जरूरत है। उसको पॉइंट में डालने की इस वजह से जरूरत है कि हो सकता था कि इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक 4 या 5 होती, 4 या 5 होती तो ये एक जीरो ना आता। यहाँ पे 2-3 जीरो और हमें लगाने पड़ते। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसे पहले पॉइंट फॉर्म में ही लिखते हैं, देन उसके साथ उसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू मतलब 10 पावर ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक जो भी 3, 4, 5 है उसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद हम नंबर निकालते हैं। और जब हम आंसर लिख रहे होते हैं तो हम आंसर कुछ यूं लिखते हैं, हम आंसर लिखते हैं मतलब ये जो आपने मंटीसा निकालना है ना ये आपने रफ में निकालना है, सॉरी मंटीसा की मदद से जो नंबर आपने निकालना है वो आपने रफ में निकालना है। आपने रफ में नंबर निकाला 3650, लेकिन जब आप उसको नीट लिख रहे होंगे तो आप लिखोगे एंटी लॉग 3.5621 इज इक्वल टू 3.650 क्रॉस 10 पावर 3 एंड दिस वन इज 3650। दोबारा देख लें कि आपने क्वेश्चन में किया क्या या करना क्या। आपने लेट कर लिया कि लॉग ऑफ एक्स इस चीज के इक्वल है। अगर आप ये भी लेट नहीं करते तो आप सिंपल इसको इसी तरह ही रहेंगे। ये चीज आ गई। अब यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक क्या, मंटीसा की वैल्यू निकालो, तो कैरेक्टरिस्टिक आ गई 3, मंटीसा आ गया 0.5621। जब हमने 5621 को यूज किया तो हमारे पास जो नंबर आया वो आया 3650 3650। अब ये आपने रफ में निकाल के लिख दिया, लेकिन जब आपने इसको नीट लिखना है तो आपने लिखना एंटी लॉग ऑफ दैट नंबर ऑफ दैट लॉगरिथमिक वैल्यू इज इक्वल टू 3.650 क्रॉस 10 द पावर ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इज 3। तो यहाँ पे आ गया 3.650 क्रॉस 10 द पावर 3। और जब आप इसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे मतलब 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। कि मंटीसा से जो वैल्यू निकालनी है वो आपने रफ में निकालनी है, उसे साइंटिफिक मल्टीप्लाई बाय 10 पावर लिखना है, और आफ्टर सॉल्यूशन ऑफ दैट हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड वो नंबर होगा जिसकी ये लॉगरिथमिक वैल्यू है। ये था आपके पास पार्ट वन। इसी तरीके से अगर आप पार्ट टू में देखें तो उसमें आपके पास क्या पढ़ा हुआ मैं जस्ट बता देता हूँ, सॉल्व आपने इसको खुद करना है। उसमें आपके पास पढ़ा हुआ है 1.7427। अब इस केस के अंदर जो सी एच है वो क्या है, -1 है, और जो मेंटीस है -1 क्यों, हमें पता है कि अगर किसी चीज पार्ट वन में मैंने बता दिया कि कैरेक्टरिस्टिक लिखते हुए अगर पावर माइनस में हो तब हम ए का बार लिखते हैं। तो मतलब अगर किसी के लॉग वैल्यू के अंदर ए का बार पॉइंट लिखा हुआ है इसका मतलब जो उसकी 10 की पावर थी वो -1 थी, बार ऑफ 2 लिखा हुआ है तो 10 की पावर जो थी वो -2 थी। ये चीज तो इस केस के अंदर 10 की पावर क्या -1 है। आगे मेंटीसा क्या 0.7427। अब इस मंटीसा की हेल्प से जो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो हमारे पास वैल्यू आई है 5, फाइनल जो वैल्यू आई है वो आई है 5530। अब थर्ड यहाँ पे क्या करेंगे, एंटी लॉग
एंटीलॉग हमने किसका लिया 1.7427, और मैंने क्या बात की थी कि जब हमने एंटीलॉग ये करना है उसके बाद ये जो आपने वैल्यू निकाली उसे आपने लिखना है इस फॉर्म में कि जो पॉइंट होगा वो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद होगा और साथ में मल्टीप्लाई करनी 10 की पावर सी एच वैल्यू जो क्या है -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 की पावर -1। अब जब 10 की पावर -1 को आप खत्म करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.5530। यहाँ पे 0.5530 क्यों आएगा वो 3.1 के लेक्चर में आपको पता लग जाएगा, बहुत ज्यादा डिटेल से मैंने उस लेक्चर के अंदर बताया था कि कब हमारे पास माइनस पावर होगी, कब हमारे पास प्लस पावर होगी, या माइनस और प्लस पावर पड़ी हुई है तो उसे हमें चेंज कैसे करना है। सो अगर आपको समय इस जगह की समय नहीं आई तो आप मेरा वो लेक्चर देख लें, अगर फिर भी समय ना आए तो आप मुझे कॉमेंट्स कर दीजिएगा, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट दे दूंगा। सो फिलहाल इसका जो पार्ट टू जब आप सॉल्व करोगे तो पार्ट टू का आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5530। ये था क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमारे पास दो पार्ट थे और इसमें हमें उसने लॉगरिथमिक वैल्यू दी हुई थी और वो इसका एंटीलॉग डिमांड कर रहा था, मतलब वो नंबर डिमांड कर रहा था जिसकी ये वैल्यू है, उसको निकालने का हमने मेथड देखा, हमने सी एच वैल्यू और मैटिसा को यहाँ से निकाला, उस मैटिसा को यूज करते हुए एंटीलॉगरिथम की मदद से रफ में हमने एक नंबर निकाला, जब हमने उसे यहाँ पे लिखा तो हमने उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन मतलब पॉइंट फॉर्म में लिखा मल्टीप्लाई बाय 10 पावर ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक और आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैट 10 पावर हमारे पास वो रिक्वायर्ड नंबर आ गया जिसका मल्टीसा ये था। अगर आप ये आपको शक हो रहा है यहाँ पे कि हमने ये क्वेश्चन ठीक किया या नहीं किया तो आपने आपको क्वेश्चन नंबर 1 आता होगा, अब उसकी हेल्प के थ्रू अब इस नंबर का लॉग निकाल दें, अगर इस नंबर का लॉग यही चीज आ जाती है इट मीन्स कि आपने बिल्कुल इस क्वेश्चन को ठीक किया। ये बताने का मतलब ये कि आपके अगर डाउट हो तो आप उसको क्लियर कर सकते हो। बाकी आज के इस लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।